आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खाचरोद जनपद की ग्राम पंचायत बेरछा में सड़क नहीं बनने पर ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं। कुछ माह पूर्व कलेक्टर आशीष सिंह ने बेरछा दौरे के समय ग्रामीण जन की शिकायत पर सड़क निर्माण करने के आदेश दिए थे। उसके बाद अधिकारी कर्मचारी भी आए और ग्रामीणों को 2-4 दिन में काम चालू करने का कहा गया और आज दिनांक तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ, जिसकी शिकायत ग्रामीण जन ने सीएम हेल्पलाइन पर भी की। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल, जिला कलेक्टर स्वयं ने आदेश दिया और उसके आदेश की सुनवाई न होना तो ग्रामीण जन और आमजन की शिकायत पर कौन अधिकारी ध्यान देगा? जनपद पंचायत सीईओ जिम्मी बाहेती से जानकारी मांगी तो जवाब के लिए ऊपर के अधिकारी का हवाला दे दिया। खाचरोद से संवाददाता कान्हा चौधरी की रिपोर्ट। सेंक्शन सुदूर सड़क जिला पंचायत से होता है, हम लोग सेंक्शन नहीं करते, हम लोग प्रपोजल सेंड करते हैं और जनपद स्तर से प्रपोजल ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है। हम लोग अराउंड 1st of December 2020 को हम प्रपोजल सेंड कर चुके हैं यहाँ। तो मैडम उन्होंने अभी तक काम चालू भी नहीं किया और कुछ भी देखने इंडक्शन भी नहीं हुआ, इसका क्या कारण? इसकी जानकारी आप वरिष्ठ कार्यालय से लीजिएगा क्योंकि ये मेरे स्तर का काम मैं कर चुकी हूँ। कलेक्टर के आदेश के बाद हुआ है ना आपकी तरफ से? हाँ, कलेक्टर सर के आदेश के बाद हम लोग यहाँ से प्रपोजल भेज चुके हैं। अब मैं भी जनपद वाले अधिकारी को बोल बोल के परेशान हो गया। 5 नवंबर से लगा के अभी जो है आज 28 फरवरी होगी, बस जनपद वाले भी यही आश्वासन देते आ रहे हैं आजकल। क्या कलेक्टर साहब की बात का भी तोहिन हो रहा है और क्या है, गांव वाले जनपद वाले कोई सुन नहीं रहे। गांव वाले जो है हमको परेशान कर रहे हैं सरपंच सचिव को। हाँ साहब, ये यहाँ से रोड वहाँ तक बनाने का कलेक्टर साहब आए थे तो उन्होंने बोला था बन जाएगा, नवंबर की बात है क्या? तो ये कौन सी सड़क में हुआ था ये पास? ये खेत सड़क आती है ना, हाँ। मुख्यमंत्री सड़क खेत, हाँ। इसमें आता है तो उन्होंने बोला कि 2 दिन में हो जाएगा। कब आए थे कलेक्टर साहब आपके यहाँ पे? नवंबर में आए सब, तारीख तो कही मैंने 5 नवंबर। अच्छा, 5। हाँ। कितना समय हो गया पूरा? है? कितना समय हो गया अभी तक पूरा? 2-3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया साहब, देख लो आज जनवरी फरवरी होगी आज। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।